बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह सुबहान व तआला। यस्टरडे वी हैव डन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों था फाइंड द रेसिप्रोकल्स ऑफ द फॉलोइंग। हमने रेसिप्रोकल को डिस्कस किया और क्वेश्चन सॉल्व किए। मज़ीद आगे जाने से पहले हम पहले रेसिप्रोकल को डिस्कस कर लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या होता है। तो रेसिप्रोकल बच्चों, हमने कल बात की थी कि इंटरचेंजिंग ऑफ न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर बन जाता है, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 2/3 फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करती हूँ, जब मैं इसका न्यूमिरेटर लूँगी, रेसिप्रोकल लूँगी, तो जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिरेटर बन जाएगा, यानी इंटरचेंजिंग हो जाएगी। अब इस टाइम यहाँ पे रेसिप्रोकल हम लेने लगे हैं, 2 हमारा न्यूमिरेटर है तो वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा, और 3 हमारा डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा न्यूमिरेटर। तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल, राइट स्टूडेंट्स? इसी तरह अगर मैं एक नंबर राइट करूं, फॉर एग्जांपल 5, और मैं आपसे कहूं कि इसका अब रेसिप्रोकल लें, तो रेसिप्रोकल हम कैसे लेंगे कि 5, और मैंने कहा था जब भी सिंगल डिजिट होता है बेटा तो इट्स मीन दिस इज़ न्यूमिरेटर। तो अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम खुद से अपनी आसानी के लिए 1 राइट कर सकते हैं, ठीक है? 1 राइट कर सकते हैं। तो जब मैं रेसिप्रोकल लूँगी तो वो बन जाएगा 1/5। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नाउ कम टू द बुक। Open your books and the page number is 102 of exercise 3.4. Today our topic is division of fractions. Division से आप familiar हैं बच्चों, पहले भी आपने simple division की हुई है, और division का हमारे पास sign ये है, right students? अब आप division बच्चों करोगे फ्रैक्शन की फॉर्म की, ठीक है? अब आपके पास फ्रैक्शंस में गिवन होंगी वैल्यूज़, और अब आपने उनको सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व फर्स्ट पार्ट 1/3, दिस इज़ द साइन ऑफ डिवीजन 5/9, 1/3 डिवाइडेड बाय 5/9। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट को अपने। This is your scale line notebook. First of all, write the index. Serial number is 26. Today is 25th, 1st, 2021. जो हम टॉपिक करेंगे वो हम जो मेथड यूज़ करें, जो हमारा टॉपिक है, दिस इज डिवीजन। एक्सरसाइज नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 2, 1 to 3 पार्ट्स आज हमने करने हैं, एंड पेज नंबर इज 47। ओके स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड माई पेज, डेट इज़ 25th, 1st, 2021, पेज नंबर इस्लामिक डेट, एक्सरसाइज 3.4, पेज नंबर 102, यानी 102 डबल अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व पार्ट नंबर 1, 1/3 डिवाइड 5/9 सॉल्यूशन, एंड देन अगेन राइट क्वेश्चन। सिंगल मार्जिन लाइन बच्चों हम राइट साइड लगाते हैं और डबल मार्जिन लाइन ड्रा करते हैं लेफ्ट साइड। सॉल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन अगेन राइट करना है एज़ यूजुअल। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों, आप लोगों ने ये देखा कि हमारे पास यहाँ पे डिवाइड का साइन है, ठीक है, और फ्रैक्शन की फॉर्म है। पहले जो आपने क्वेश्चन किए थे विदाउट फ्रैक्शन, सिंपली आप उनको डिवाइड कर लेते थे। जो न्यूमिरेटर होता था उसको आप डिविडेंड बना के और डिनोमिनेटर को एज अ डिवाइजर लेके डिवाइड कर देते थे, ठीक है? अब हमारे पास चूंकि फ्रैक्शन की फॉर्म है
तो सबसे पहले बच्चों याद रखिएगा, जब भी आपके पास डिवाइड का साइन आ जाए तो इसको हम चेंज कर देते हैं। चेंज किस में करते हैं बच्चों? रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल यानी कि इसका डिवीजन का जो ऑपोजिट साइन होता है, दिस इज मल्टीप्लीकेशन, राइट? दिस इज मल्टीप्लीकेशन। तो जब हम उसका साइन चेंज करेंगे, वो हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, और जो हमारी राइट साइड का फ्रैक्शन है वो चेंज हो जाएगा न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर में, यानी कि रेसिप्रोकल में, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/3 जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है फ्रैक्शन में, ये हम एज इट इज राइट करेंगे। डिवाइड साइन चेंज इनटू मल्टीप्लिकेशन साइन। हमेशा डिवाइड का साइन, जब भी आपके पास फ्रैक्शन के क्वेश्चन आते हैं तो डिवाइड का साइन बच्चों हमारा चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो राइट साइड की फ्रैक्शन है वो हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल मींस 9/5, जैसे हमने रेसिप्रोकल लिया क्वेश्चन नंबर 1 में, 9/5। 9 मेरा यहाँ डिनोमिनेटर था, यहाँ न्यूमिरेटर हो गया, 5 न्यूमिरेटर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो गया। अब एज यूजुअल जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे मल्टीप्लिकेशन के, अब हमारा क्वेश्चन बन गया मल्टीप्लाई का। तो अब हमने क्या करना है, क्रॉस है, क्रॉसिंग में चेक करना है कि क्या हमारी कोई कटिंग हो रही है किसी के टेबल में। तो चेक करें, दिस इज 3 and 9, तो ये हमारी कटिंग हो जाएगी। 3 ones are 3, कट किया, 3 ones are 3 and 3 कितने टाइम्स 9 होता है, 3 3s are 9, ओके? अब हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो ये मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे भी 1 and 5 है, ये भी कट नहीं हो सकता। फिर हम फ्रैक्शन की फॉर्म में चेक कर लेते हैं, तो दिस इज़ 1/1, और यहाँ हमारे पास है 3 and 5, तो 3 और 5 भी किसी सेम टेबल पे कटिंग नहीं होती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको राइट कर लेते हैं, जो हमारे पास रिमेनिंग बच गए, दिस इज 1/1 मल्टीप्लाई, यहाँ हमारे पास 3 बच गया न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर में 5। अब हम क्या करेंगे, न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 को 3 से या 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 ones are 3 डिवाइडेड बाय 1 5s are 5 या 5 ones are 5, दोनों का टेबल रीड किया जा सकता है, 5 ones are 5, दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 आपके पास जो डिविडेंड होना चाहिए यानी कि न्यूमिरेटर होता है वो आपके पास स्मॉलर है और डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसको हम मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो डेट्स वाई दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट कंप्लीट हो गया, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द बुक, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 2, 4/7 डिवाइडेड बाय 28/28, दिस पार्ट इज योर होमवर्क, सेम एज इट इज पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह। पार्ट नंबर 3, 5/7 डिवाइड 25/49, सबसे पहले डिवाइड का साइन आप किसमें चेंज करोगे, मल्टीप्लाई में, ठीक है, और 25/49 का रेसिप्रोकल ले लेना है, ठीक है। दिस पार्ट इज आल्सो योर होमवर्क। आज के लिए यहाँ तक 3 पार्ट्स ही हैं, इन्हीं 3 पार्ट्स का आपने होमवर्क भी करना है और इनको प्रैक्टिस में भी करना है। ओके स्टूडेंट, नाउ नोट डाउन योर डायरी, दिस इज योर डायरी स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 3.4, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1 से 3 तक, यानी 1, 2 and 3 होमवर्क एंड डू प्रैक्टिस। होमवर्क आपने नीट नोटबुक्स पे करना है और प्रैक्टिस आपने रफ नोटबुक पे करनी है, ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैरा।